हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी एलईडी हेडलाइट बल्ब के ऊपर, लेकिन उसका जो प्राइस है वो $65 के आसपास था, तो वो बहुत कॉस्टली थी। ये मात्र आपको $20 मिल जाएगी, मतलब इंडियन करेंसी में 1400 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। तो वैसे मैं आपको इसका जो है रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिल जाती है आपको प्रोडक्ट मैनुअल, जहाँ पर कि आपको इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसीजर पूरा बताया होता है, और साथ में जो वारंटी वगैरह जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आती है, तो उसके बारे में इसमें जो है लिखा होता है। तो भाई, यहाँ पर आपको जो है 2 LED हेडलाइट बल्ब मिल जाते हैं। ये H4 सॉकेट है, आपकी बाइक की जो भी सॉकेट है आप उस हिसाब से इसको परचेज कर सकते हैं। तो भाई, यहाँ पर ये फुली एल्युमिनियम का बना हुआ है, और यहाँ पर जो है 3 जो है LED स्ट्रिप इन्होंने यूज़ की हुई है, मतलब इसके जो है 3 LED है यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अभी फ़िलहाल वो तो हम इसका जो रिव्यू अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए जो इसकी बॉडी है वो पूरी एल्युमिनियम की बनी हुई है, और साथ में यहाँ पर आपको पीछे एक फ़ैन मिल जाता है, जो बेसिकली जो आपके LED हेडलाइट बल्ब है इसको ठंडा करने का काम करता है, क्योंकि जब ये चलेगी तो ये गर्म होती है। तो गाइस, 9 से 36 वोल्ट तक ये काम करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो इसका इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ। अगर आपको फुल इंस्टॉलेशन का देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो बनी हुई है, जो कि मैंने पहले इंस्टॉल की थी LED हेडलाइट बल्ब, तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा। तो गाइस, इस प्रकार से आपको आपकी जो हेडलाइट है उसको खोल लेना है, और ऐसे इसको घुमा के जो पुराने वाला है, ये भी ऑक्सबीम का है, इसको मैं निकाल देता हूँ अभी। तो अभी यहाँ पर इसको डस्ट रबर को निकाल देते हैं, और यहाँ पर जो लॉक लगा हुआ है इसको ऐसे खोल लेना है आपको, और ये इजीली यहाँ पर जो लॉक है ये निकल जाएगा। तो सेम गाइस, जो नई LED हेडलाइट है उसका भी आपको ऐसे लॉक खोल लेना है, और लॉक को जो आपका जो इसका रिफ्लेक्टर होता है यहाँ पर आपको रख के इसका जो यहाँ पर कट बने रहते हैं इसको ऐसे फंसा के लॉक को वापस से लगा देना है आपको, और जो इसकी डस्ट रबर है उसको फिर से लगा देना है जैसे कि पहले लगी हुई थी ये। और इसके बाद जो है LED को हम इसमें इंसर्ट करेंगे और घुमा के ऐसे सेट बैठा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे इंसर्ट करना है और ऐसे घुमा देना है आपको थोड़ा सा, तो ये जो बिल्कुल जो कट में ऐसे सेट बैठ जाएगा। तो गाइस, अभी हम इसको करेंगे अपनी बाइक में लगाएंगे, तो चलिए अभी बाइक की ओर चलते हैं। तो गाइस, कोई भी जब आप LED हेडलाइट बल्ब जो है इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक में, तो आपका जो कनेक्शन है वो सीधा डायरेक्ट बैटरी पर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, आप उसको देख के आपका जो कनेक्शन है वो DC पर पहले कर लीजिएगा। अगर आप जो है इसको डायरेक्ट जो इंजन साइड में अगर करेंगे तो आपका LED हेडलाइट का जो बल्ब है वो ख़राब हो जाएगा। तो गाइस, इस प्रकार से जो बाइक की जो सॉकेट है H4 वाली, उसमें सिंपल आपको इसको ऐसे इंसर्ट कर देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा चला के बताता हूँ इसको, जो इसकी जो लाइट वगैरह है वो कितनी है। तो गाइस, यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, काफ़ी ब्राइट है। तो गाइस, अभी मैं आपको जो है बाइक थोड़ी सी राइड करके फिर बताता हूँ इसकी जो परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, चलिए अभी निकलते हैं हम राइड की ओर। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ब्राइट है। हाँ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है अभी इसके जो हाई बीम पे, क्योंकि हाई बीम का जो लाइट है वो इतना ब्राइट नहीं है जितना कि लो बीम का है। तो एक वजह से अच्छा भी है कि किसी की दूसरे की ऐसे आंखों में नहीं रोशनी पड़ती इससे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो यहाँ पर लो बीम और हाई बीम का इतना पता नहीं चल रहा होगा, तो मेरे को भी यही थोड़ी सी दिक्कत लगी कि इसका जो हाई बीम है वो इतना ब्राइट नहीं है। तो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा इसका जो कंपैरिजन है, जो पीछे वाली मैंने LED हेडलाइट बल्ब इंस्टॉल किया था उससे कंपैरिजन करते हैं अभी इसका। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने नए वाला लगाया और पुराना वाला वो राइट साइड में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की लाइट्स, तो लाइट्स तो दोनों की सेम है, लेकिन जो अपर डिपर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो मेरे को नए में लगा, क्योंकि उसका जो अपर है वो इतना ब्राइट नहीं है जितना कि पुराने वाला था। तो भाई, यहाँ पर इसकी आप लाइट वगैरह को देख सकते हैं, और अपर डिपर का थोड़ा सा मेरे को अभी प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, क्योंकि जो अपर है कई बार ऐसे लग रहा है कि पता ही नहीं लग रहा कि अपर डिपर इसका ऑन चल भी रहा है या नहीं, और थोड़ा सा अपर में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगी, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लाइट का जो कलर है वो भी थोड़ा अलग टाइप से है, क्योंकि इतना ब्राइट नहीं है वो, और जो इसका जो लो बीम है वो बहुत अच्छा है। तो गाइस, $20 में आपको ऑक्सबीम का LED हेडलाइट बल्ब मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये $20 में बहुत अच्छा है। और जो आपको जो अपर डिपर की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो LED हेडलाइट बल्ब में, जो हर में आपको जो है ये सामना इसका करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बाइक का जो रिफ्लेक्टर होता है वो स्पेशली जो डिज़ाइन किया होता है आपके हेलोजन बल्ब के लिए। तो जिन बाइक्स में जो है LED हेडलाइट बल्ब आते हैं उनमें स्पेशली प्रोजेक्टर लगा होता है, आप देखेंगे अगर जो पल्सर 220 को, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोनों प्रोजेक्टर लाइट्स, तो उनमें आगे एक जो है लेंस लगा होता है जो कि एक जगह फोकस करता है अपनी आपकी जो लाइट को, तो उसका डिज़ाइन जो है वो आपकी LED के लिए डिज़ाइन किया होता है। तो
तो इस वजह से वो उसमें जो है एलईडी हेडलाइट बल्ब अच्छा काम करेगा। और अगर आपकी बाइक का जैसे रिफ्लेक्टर है तो उसमें आपको अपर डिपर की जो प्रॉब्लम है वो होगी होगी। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।